हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेनुदा किचन चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर आलू बड़ा। अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्यों आप सभी को मेरे चैनल पे अच्छी रेसिपियाँ देखने को मिलेंगी और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए आइए बनाते हैं पनीर आलू बड़ा, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। ये देखिए आलू ले लिए हैं हमने, आलू हमने बॉईल करके ले लिए हैं, चार आलू हैं, इसको ठंडे हो गए हैं, इनको छील के रख लिया है हमने। ये लहसुन है, लहसुन की दो पोती ली हैं हमने, इनको काट ली हैं। ये धनिया है, धनिया हमने चॉप करके रख लिया है। हरी मिर्च है, ये भी चॉप करके रख ली है। ये मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्च ली है, गाजर ली है जो मैंने कद्दूकस कर ली है, और ये मैदा है, 150 ग्राम मैदा है। तो चलिए आइए बनाते हैं पनीर आलू बड़ा, काफ़ी खाने में टेस्टी लगेंगे, इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, आलू मैंने आपको बताया है ठंडे होने देंगे हम, हल्के ही से उबालेंगे इनको हम। अब इसको हम किसनी से किस लेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम किसनी से किस लेंगे आलूओं को। ये हमारे सभी आलू किस चुके हैं, इस तरीके से हम आलूओं को, सभी को आलूओं को किस लिया है। ये देखिए इसको हम बच्चों के टिफ़िन में भी बना सकते हैं, ये मैंने यहाँ लहसुन डाल दिया है, सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। धनिया डाल दिया है, हरी मिर्च, ये शिमला मिर्ची है जो मैंने क्रश करके रखी थी पहले से, एक शिमला मिर्ची है, ये गाजर है, गाजर ही मैंने किस के रखी थी। सुबह के नाश्ते में बनाइए, काफ़ी खाने में अच्छी लगती है। यहाँ मैं आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार, जीरा डाल रही हूँ, यहाँ गरम मसाला, यहाँ हींग डाल रही हूँ थोड़ी सी, हींग से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। ये मैंने सौंफ डाल दी है। अब इसी सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे इस तरीके से। आप ज़रूर बनाइएगा पनीर आलू बड़ा। हमने देखिए ये सब मिला लिया है इसमें, ये मिल चुका है हमारा पेस्ट अच्छी तरीके से। अब ये देखिए ये हमने ये मिलाया था, ये मिल चुका है, इसको बगल में रख दिया है हमने। अब इसको हम हल्के हल्के हाथ से गोल करेंगे इस तरीके से। अब आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं इसको, गोला शेप भी दे सकते हैं, मैं इस ये शेप दे रही हूँ इसको। हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से हम कर लेंगे, ये देखिए मैंने ये शेप दिया है, दूसरा भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे करेंगे इस तरीके से, हम इसको ये शेप दे देंगे, इसी को हम सभी को इस तरीके से कर लेंगे। सारी बन गई हैं, हमने इसको ये शेप दिया है इस तरीके से, ये देखिए सारी बन चुकी हैं हम, ये हमारी बन चुकी है, इसको हम साइड कर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम ये मैदा ले लेंगे, मैदा है, इसको हम इसमें डालेंगे, इसको हम पानी से घोलेंगे, ये देखिए हमारा घोल बनके तैयार है। इस तरीके से हमें इसका घोल बनाना है, इसमें मैं एक चुटकी सोडा डाल रही हूँ, ये स्टेप हम करेंगे। चलिए अब यहाँ पे मैंने तेल पहले से गर्म होने रख दिया था, अभी इसमें जो आलू हैं इसको मैं मैदे में डिप करूँगी अच्छी तरीके से, घोल लेंगे इसको और इसमें तेल में डाल देंगे हम।
इस तरीके से हम सेकंड भी करेंगे अच्छी तरीके से। इसको हम घोल में अच्छी तरीके से मिला के इसमें तेल में फ्राई करेंगे। हमें इसे मीडियम टू हाई पे ही सेकना है, इसलिए हमारे जो सिकेंगे काफ़ी क्रिस्पी सिकेंगे, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेंगे। गर्मा गर्म खाइए, सर्दियों का टाइम है। आप इसमें और सब्जी ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं अपने पसंद के। अब इसको हम पलट लेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको हम फ्राई होने देंगे अच्छी तरीके से, क्रिस्पी नहीं हो जाए जब तक ये। ये हमारे देखिए सिक चुके हैं आलू के बड़े। आपने बेसन के तो काफ़ी खाए होंगे, बहुत खाए होंगे। आज मैंने अलग तरीके से बना के दिखाए हैं आपको। इसको हम मैदे में डिप करके दोबारा से फ्राई करेंगे। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, बेसन के बजाय आप मैदा यूज़ करिएगा, काफ़ी टेस्टी बनेंगे इस तरीके से बनाएंगे तो। ये देखिए मैंने दूसरी बार भी इनको सभी को डाल लिया है। अब इसको मैं पलट लूँगी सभी को। देखिए देखने में भी कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसको मैं अभी उठा के खा जाऊं। देखिए अब ये देखिए हमारे ये भी सिक चुके हैं, देखिए देखने में कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। अब इनको हम निकाल लेंगे। अभी हमारे सिक चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे ये बड़े सिक चुके हैं आलू के। आप चाहें इसको ऐसे ही खा सकते हैं हरी चटनी से, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा अलग कुछ करूंगी। इसमें थोड़ा सा मैं तड़का लगाऊंगी। इसमें मैंने कढ़ाई रख ली है, हल्का सा तेल डाल लिया है। ये तेल गर्म होने दूंगी, तेल ये मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी मैं राई डालूंगी। ये राई मेरी कड़क चुकी है यहाँ, और यहाँ हरी मिर्ची डाल दूंगी। हरी मिर्ची को थोड़ा हम भून लेंगे अच्छे से, अच्छे से हमारी हरी मिर्ची भुन चुकी है। देखिए अब जो ये बड़े हैं इसमें मैं इनको डाल दूंगी। इस तरीके के आपने आलू बड़े कभी नहीं खाए होंगे, आज मैंने अलग तरीके से बना के दिखाए हैं आपको आलू के बड़े। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा आप सभी को ये मेरे आलू की बड़ी आपकी रेसिपी कैसी लगी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए अब इसको हम निकाल लिए हैं, देखो एक प्लेट में। देखिए देखने में कितने क्रिस्प लग रहे हैं। इसमें मैं ऊपर से पनीर किसके डाल दूंगी, पनीर से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब इसको आप हरी चटनी से खाइए या सॉस से खाइए, खाने में काफ़ी टेस्टी लगेंगे। ये देखिए देखिए देखने में कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं। अगर आप सभी को मेरी ये आलू के बड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।